स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड हिम। ये पोएम लिखी है तौफीक रफत ने। सबसे पहले मैं आपको पोएम इसमें एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इसकी पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया पे बात करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम पोएम देखेंगे। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम, बच्चे उसको समझते हैं। एंड ओनली दिस हैज केप्ट इंटैक्ट हिज प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही चीज जो है जिससे वो कायम है, उसकी प्राइड, उसका फखर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट इससे कायम है। अदरवाइज ही इज अ ड्राई स्ट्रीम बेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्राई स्ट्रीम बेड जो है ये मेटाफर के तौर पे यूज हुई है। यहाँ पे देखें कि जो एक झील है वो अगर सूख जाए तो उसका जो बेड है, यानी उसका जो नीचे वाला हिस्सा, तो देखा जाए तो उसकी जो बूढ़े एक बूढ़े आदमी की जो जिंदगी है, वो तो बिल्कुल, शायर ने ये बताया कि वो जस्ट लाइक अ ड्राई स्ट्रीम बेड की तरह है। तो वो जो बूढ़ा आदमी है, लिविंग ऑन मेमोरीज, अपनी यादों के सहारे जी रहा है। एंड एन इनएडिक्वेट पेंशन, उसको जो पेंशन मिल रही है वो उसके लिए नामुनासिब है। एंड द हॉस्पिटैलिटी नाउ गिवन रिवोक्ड, जो मेहमान नवाजी जो थी वो उसको दी जाती थी वो उससे वापस ले ली गई है, ऑफ हिज सन्स एंड डॉटर्स, उसके बेटे और बेटियों की तरफ से। एन ओल्ड मैन हु मस्ट बी ह्यूमर्ड, एक बूढ़ा आदमी जिसकी बेशुमार ख्वाहिशात जो है वो पूरी होनी चाहिए। एंड सेंट टू हिज रूम, उसको अपने कमरे में भेज दिया जाता है। वेन देर आर गेस्ट अबाउट, जब घर में मेहमान आते हैं। बट ऑलवेज टू बी रिलाइड ऑन, लेकिन फिर भी उसी पे भरोसा किया जाता है। टू कीप द चिल्ड्रन अपस्टेयर्स आउट ऑफ मिसचीफ, कि बच्चों को उसके पास ऊपर भेज दिया जाता है और ताकि बच्चे शरारत ना करें। यस दे अंडरस्टैंड हिम, जी हाँ, क्योंकि बच्चे उसको समझते हैं। फ्रॉम मैन रोर एंड फ्रेंडली पंचिस टू द चेस्ट, प्यार से बच्चे या जोर से बच्चे उसके बूढ़े आदमी की छाती पे मुक्के मारते हैं। एंड डैम किसेस ऑन स्क्रब्ड चीक्स, और स्क्रब्ड यहाँ पे बेसिकली जब बूढ़े बूढ़ा कोई शख्स हो जाता है तो उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो झुर्रियों वाले चीक्स पे बच्चे जो हैं वो किस करते हैं, उसको प्यार करते हैं। दे सेल टू द हार्बर ऑफ हिज नीज, और ये चीज जो है उसके लिए जिंदगी का बायस है, बल्कि उसके लिए जो है यही चीज जो है उसको कायम रखे हुए है। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम समरी जो है उसके उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट, इन द समरी ऑफ द पोएम चिल्ड्रन अंडरस्टैंड हिम, इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ ओल्ड एज। पैथेटिक कंडीशन का मतलब होता है कि बुरी हालत, बुढ़ापे में इंसान की बुरी हालत हो जाती है। वंस द ओल्ड मैन वॉज यंग ही लिव्ड हिज लाइफ, जब बूढ़ा आदमी जवान होता था तो अपनी जिंदगी मजे से गुजारता था। बट नाउ हिज चिल्ड्रन डज नॉट पे अटेंशन ऑन हिम, अब उसके बच्चे उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। द ओल्ड मैन इज कंटिन्यूसली बिजी इन हिज मेमरीज, बूढ़ा आदमी मुसलसल अपनी यादों में महव है। द ओल्ड मैन्स चिल्ड्रन डू नॉट गिव हिम रिस्पेक्ट, अब उसके बच्चे उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। व्हेन गेस्ट्स केम दे सेंट हिम इन हिज रूम, जब घर में मेहमान आते हैं तो वो बूढ़े आदमी को उसके कमरे में भेज देते हैं। द ओल्ड मैन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ग्रैंड चिल्ड्रन, अब बूढ़ा आदमी जो है सिर्फ अपने पोतों पे, पोते या पोतियों पे जो है वो डिपेंड करता है। ओनली हिज ग्रैंड चिल्ड्रन गिव हिम फ्रेंडली एटमोसफियर, सिर्फ उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ही उसके उसको जो है उसके साथ प्यार करते हैं और वो उसके जीने का बायस है। हिज ओन चिल्ड्रन नॉट हेल्प ओल्ड एज, बट हिज ग्रैंड चिल्ड्रन आर सेंटर ऑफ होप फॉर हिम एंड कीप हिम एक्टिव, उसके अपने बच्चे उसकी बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है, अब उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वही उसकी उम्मीदों का और उसके जीने का मरकज है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट पैथेटिक कंडीशन ऑफ ओल्ड एज, हिज ओन चिल्ड्रन
not help old age, but his grandchildren are center of hope for him and they keep him active. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको पोएम के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद इसकी समरी हमने डिस्कस की और सेंट्रल आइडिया आपके साथ शेयर किया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।